बहुत खुशी हो रही है कि हमारा गाना सबको पसंद आ रहा है और स्पेशली हमारा अमन जी के साथ भी पहला काम है और इनका भी पहला काम है और इन्होंने बीइंग एन ऑसम डायरेक्टर किसी से कैसे एक्ट करवाना है ही नोज़ इट सो वेल क्योंकि पता ही नहीं लगा कोई मतलब एवरीवन इज शॉक्ड के ये पहला शांतनु का पहला गाना है उन्होंने पहली बार एक्ट किया है इतना इन्होंने कम्फर्टेबल किया सेट पर हम सभी को और बहुत अच्छे से यू नो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा एक्चुअली ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था इनिशियली मैं खुद भी नर्वस था जब सेट पे पहुंच रहा था तो मैंने डायरेक्टर साहब को पहले बता दिया कि मैं नहीं हूँ एक्टर मैं पायलट हूँ तो आप वो हिसाब से मुझसे काम करवाइए तो बहुत कोऑपरेटिव थे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया फिर आउटकम देखा ही बहुत अच्छा था बहुत मज़ा आया काम करने में एक्चुअली ऑफ स्क्रीन मोमेंट्स हमारे बहुत होते हैं आई डोंट नो कि कौन सा शेयर करूँ लेकिन सेट का आपको मैं बारिश सॉन्ग जब हम शूट कर रहे थे तब बताती हूँ कि उस टाइम पे ऐसा था कि ही वाज सो नर्वस लिटरली ही वाज शेकिंग कि यार पसीना पसीना फर्स्ट शॉट में तो एकदम एंड देन बट अमन जी ने इतना कंफर्टेबल किया इनको आके कोने में ले जाके भाई भाई एंड देन जब वो आउटकम आया तो फिर आप देख ही सकते हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन का जो मोमेंट था वो मेरा ही था कि ही वाज लिटरली शेकिंग एंड स्वेटिंग वेल इस गाने में मोहित चौहान की आवाज है जब आपको ये पता चला कि मोहित सर इसमें ना आवाज गाने वाले हैं तो फिर आपका कैसा रिएक्शन ही इज़ अ लेजेंडरी सिंगर उनकी आवाज़ मतलब विद सभी को पता है हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है तो बहुत लकी फील किया अपने आप को कि हम उनके साथ गाना कर रहे हैं और उनकी आवाज़ तो फिर आपने सुनी और गाना भी आपने सुना ही है कि कितना अमेजिंग है तो वी फील लकी कि हम इस चीज़ का पार्ट हैं इस गाने का पार्ट बारिश रिलेटेड बहुत से अभी हमने सॉन्ग्स देखे हैं इस गाने में उन सभी सॉन्ग से क्या डिफरेंट ये क्या डिफरेंस है ये तो ऑडियंस बताएगी क्योंकि उन्हें हमको प्यार देना है बहुत सारा और इस गाने को सुनना है बार बार हमारे लिए तो हमारा अपना गाना है तो हमें तो हम तो बोलेंगे कि सबसे अलग है सबसे बेहतर है टाइम में जो गाना भी आया है वो बहुत कैची है जैसे दो तीन बार आप लोग भी सुन जाओगे ना तो आपके कान में वो गूंजते ही रहेंगे वो लाइन बारिश बन के आना वो जो गाया है मोहित जी ने बहुत ही प्यारा गाना है मुझे बताओ जरा तुम्हें उनसे मेरे रोल कैसे एक्ट करने को सीख लिया फिर बाहर तो आने के बाद फिर टाइम अच्छा निकल गया फिर मेरा नर्वसनेस भी निकल गया तो ऑडियंस ने ऑलरेडी काफ़ी प्यार दे चुका है और जिन लोगों ने गाना नहीं देखा है उन लोगों के लिए कोई स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताना चाहोगे स्टोरी कॉन्सेप्ट हमारी सर ने बनाई है और बहुत अच्छा बनाया है सर प्लीज़ एक्सप्लेन तो कॉन्सेप्ट तो बहुत क्यूट सा है जो आपने देखा होगा प्यार है दोनों रुठे हुए हैं और मिलना चाहते हैं बट दोनों को मिलना भी नहीं है बट मिलना भी है तो क्यूट सी एक मेमोरी है जो क्यूट सी एक मेमोरी है जो कि दोनों शेयर करना चाह रहे हैं मेरा हीरो बहुत पीछे पड़ा हुआ है कि प्लीज़ सॉरी एंड तक सॉरी बोल के बोल थक गया लेकिन फाइनली वो जब बारिश आती है तो मैडम मान जाती है और क्यूट सी स्टोरी हमारी बहुत प्यारी है प्यारी तरीके से लव स्टोरी सो इसमें एक्ट करने के बाद आगे एक्टिंग में कुछ अभी दो चार लोगों से बात चालू है देखते हैं अभी ये रियल लाइफ में पायलट है और अभी रियल लाइफ में भी पायलट बनने वाले हैं मेरा तो पायलट का करियर ही चालू तो ये बोलते हैं जब है टाइम है तो कर लो ठीक है माय यू वुड वांट मी टू नो प्रॉब्लम पर ऐसा कुछ उसके बाहर मुझे कुछ करने का ऐसा कुछ अभी तक इंटेंशन नहीं है ये सवाल आप इससे पूछिए नहीं हमारा कुछ ऐसे थोड़े से थॉट्स है जो हम लोग को एकम्प्लिश करने शादी के पहले तो वही वो भी उसी के पीछे भाग दौड़ में भी है मैं भी उसी के पीछे चल रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर इंशाल्लाह वेरी सून साथ ही साथ आपके सीरियल में भी आज ही 100 एपिसोड्स पूरे हुए हैं
सो आज बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस किए हमने सेट पे, बहुत मज़ा आया. और अभी नए ट्विस्ट्स और टर्न्स लेके मैं आ रही हूँ एज अहाना इन द शो. सो बहुत कुछ नया होने वाला है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी उसके बारे में क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो देखें और बहुत सारा प्यार हमें दें उसके लिए, क्योंकि नाउ समथिंग रियली अमेजिंग इज कमिंग. हम लोगों ने देखा 100 एपिसोड आज कंप्लीट हो चुके हैं, तो 100 एपिसोड की जर्नी काफ़ी लंबी होती है. सी मैं अभी ज्वाइन, मैंने अभी ज्वाइन किया है, आई थिंक मेरा ये 3rd-4th एपिसोड ही है जो उनके लिए 100 एपिसोड हो गए. तो अभी मेरा जब 100 एपिसोड कंप्लीट होंगे तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी, बट अभी तक का सफ़र जो 4 एपिसोड्स का रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है. एवरीवन इज सुपर ऑसम, बहुत अच्छी पूरी प्रोडक्शन टीम है हमारी, एक्टर्स को एक्टर्स हैं सना सेबान, बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके. और आगे भी हम लोग बहुत कुछ मस्ती प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग तो सेट पे आते रहेंगे तो यू कैन सी. व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट व्हेन डूइंग दिस म्यूजिक? वही जो जब बारिश गिरने आ जाती है और इच्छा करने के आ जाती है, बारिश वाला जो आपने नाइट में सीन, नाइट वाला एक सीन देखा होगा. मैं शॉक्ड हो गया था जब मैंने वो शूट किया. शांतनु था, मैंने उसको बताया कि यार ऐसे करना, अभी तू बहुत परेशान हो चुका है, तेरे से मान नहीं रही है, अभी तेरे को करना क्या है तू देख ले अब तू. तो मुझे बहुत नेचुरल लगा जब वो बंदा गया वहाँ से और बारिश आई, उसको पता भी नहीं था कि पीछे से आने वाली है, मनाने के लिए आने वाली है उसको वापस से घर से. और जिस तरीके से इसने वो मूवमेंट कैप्चर किया अपने आप में, मूवमेंट अपने आप में फील किया, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मूवमेंट वो था कि जो उसने नाइट वाला जो बारिश वाला जो था बहुत रियलिस्टिक था मेरे लिए. ये जो था एक्चुअली तो प्यार करते इसीलिए था, तो मेरे लिए एक्टिंग नहीं था जो भी था, मेरा बहुत नेचुरल निकल गया था. तो अभी जैसे मुझे डेट्स पता लगेंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी. साथ ही वेब सीरीज़ है, एक वेब फिल्म है जो रिलीज़ होने वाली है, और एक फिल्म है कॉमेडी फिल्म विच इज़ गोइंग टू बी रिलीजिंग सून. सो जैसे जैसे मेरे पास अपडेट्स आएंगे मैं आपके पास शेयर करती रहूँगी. प्लीज़ आप हमारा गाना सुनिए, बारिश बन के आना, हमने बहुत मेहनत की है सभी ने, और ऑफकोर्स द लेजेंडरी सिंगर मोहित चौहान ने गाया है. सो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा. वीडियो भी बहुत ब्यूटीफुली शूट की है सर ने, सो प्लीज़ डू वॉच लाइक एंड शेयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग सो कोऑपरेटिव एंड सो स्वीट, रियली थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू. बस ये रिकॉर्ड नहीं करना था. One.